नमस्कार, इंडिसिन न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इंडिसिन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। चीन जापान समेत 6 देशों में भारत आने वालों के लिए 1 जनवरी से RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देना होगा अनिवार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन, कई देशों के नेताओं ने जताया शोक। तेलंगाना निजामाबाद में PFI की ट्रेनिंग कैंप को लेकर NIA की चार्जशीट दाखिल। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन पर 31 दिसंबर की रात 9 बजे एग्जिट हो जाएंगे बंद। पीएम मोदी ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराई कार, पैर में आई गंभीर चोट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अधिकारियों ने 3000 मीटर से ऊपर सभी ट्रैकिंग एक्टिविटीज पर लगाया बैन। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन, खेल जगत में शोक की लहर। और 400 गाड़ियों की अटल टनल से किया गया रेस्क्यू, नए साल के जश्न में हिमाचल में पड़ रही है भारी भीड़।